स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुलाबी शहर जयपुर का सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। इसकी लोकप्रियता इसको सबसे अच्छा पर्यटक स्थल बना देता है। इस मंदिर में बहुत ही अच्छी नक्काशियाँ, डिजाइन, चित्र, विशेष मूर्तियों और मूर्तियों की नक्काशी के लिए जाना जाता है तथा बगानों की डिजाइन और उसकी देखभाल के लिए भी जाना जाता है। अगर आप इस मंदिर के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके इस मंदिर से जुड़ी इतिहास तथा इस मंदिर तक हम कैसे पहुँचे आप आसानी से उस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इस मंदिर के अंदर तथा बाहर से अच्छी तरह से देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर का प्रवेश द्वार है। हम इधर से ही इस मंदिर में प्रवेश करेंगे और इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद इस मंदिर का खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे और आप लोगों को लक्ष्मी नारायण की दर्शन भी कराएंगे दोस्तों। और इस मंदिर में इतना खूबसूरत जगह है कि आप देखते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस मंदिर का खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही रोचक वीडियो लाऊं तो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस मंदिर का प्रवेश द्वार खुलने में 1 घंटा बाकी है। दोस्तों, हम समय से 1 घंटा पहले आ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर मंदिर के पट खुलने से पहले आप पहुंच जाएं तो इस मंदिर के पीछे एक छोटा सा पार्क है, उसमें आप वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम पार्क में जाने से पहले आप लोगों को मेन सड़क से इस मंदिर का लुक दिखा देते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों, छोटा मोटा मंदिर नहीं है, ये कई एक बीघा में बना हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर के 4 गेट है। एक तो मेन गेट है जो बड़ा है और एक नंबर गेट है जो उससे छोटा है। ज्यादा भीड़ होने के कारण दूसरे गेटों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, गेट नंबर 1, थोड़ी जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस अक्षरधाम मंदिर का बाहर से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। मैं थोड़ी सी जूम करके दिखा दूं दोस्तों आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस मंदिर के ऊपर जाल डला हुआ है दोस्तों। ऊपर की जो गुंबज है वो अच्छी तरह से एक जाल से ढका हुआ है ताकि चिड़िया वगैरह इस पे नहीं बैठे। दोस्तों, अभी मंदिर के पट खुलने में 40 मिनट रह गई है, तो चलते हैं दोस्तों हम पार्क की तरफ। तो दोस्तों, हम पार्क में पहुंच चुके हैं और ये ठीक मंदिर के दाएं साइड में बनी हुई है दोस्तों। और ये इसका मेन गेट है बाएं साइड में, जो कि आप पहले देख चुके हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा ये पार्क है जहाँ पे इस मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे कुछ समय टाइम व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पार्क से भी मंदिर दिखाई देती है दोस्तों। बाउंड्री के उस पार में वो मंदिर है और दोस्तों इस साइड से भी एक छोटा सा गेट है, तो फिलहाल अभी बंद पड़ा है दोस्तों यहाँ से। दोस्तों, कुछ देर आप लोग बच्चों का मनोरंजन देखें जब तक मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ और उसके बाद मैं डायरेक्ट मिलता हूँ आप लोगों से मंदिर के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, गेट के अंदर घुसते ही जूता चप्पल रखने का अच्छा व्यवस्था किया गया है।
वो भी फ्री में। एक थैला लीजिए, उसमें अपना जूता या चप्पल रखिए और जमा करा दीजिए और टोकन ले लीजिए, और इस मंदिर से जाते हुए टोकन दीजिए और अपना जूता चप्पल उस थैले से ले लीजिए। बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे पोस्टर लगाई गई है कि इंडिया में कहाँ कहाँ अक्षरधाम मंदिर बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली, गंगानगर, ऐसे करीब 6 मंदिर हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों सामने मंदिर है। दोस्तों आप इस मंदिर में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपके शरीर को एक अलग ही एहसास होगा, एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों मैं सही बात बताऊं, इस मंदिर में आने के बाद में इस मंदिर से जाने का इच्छा ही नहीं करता दोस्तों, मुझे तो इच्छा नहीं करता, और इच्छा करता है कि इन कलाकृतियों को निहारता जाऊं, देखता जाऊं। और ये देखिए आप कितना खूबसूरत बगानों को कटिंग दिया गया है, डिजाइनें बनाई गई है। तो दोस्तों ऐसे ही एक से एक बगानों की कटिंग और डिजाइन बनाई गई है। दोस्तों ऐसे ही खूबसूरत बगानों की डिजाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के भाग 2 को देखना ना भूलें। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। स्वामी नारायण आप सभी को बुरी आपदा से बचाए रखें।